नमस्कार एवं परिवार नमस्कार, कैसे आप लोग, कैसी मन रही आपकी एडमिशन लाइफ? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? सब खुश हैं? सब खुश हैं? आप तो जैसलमेर की धरती भी बहुत खुश है, क्योंकि ऐसा माहौल इस रेगिस्तान में अगर किसी कंपनी ने बनाया तो एडमिशन नहीं होने चाहिए। और वो सब आपकी मेहनत पिछले 3 महीनों की, आपका समर्पण, आपकी योग्यता, आपका दृढ़ निश्चय आज आपको यहाँ पर लेके आया है। तो पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से, जैसलमेर विनर को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जिन्होंने प्रयास किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कम से कम प्रयास किया है जैसलमेर, नहीं तो अगला कोडलिया क्रूज ही सही। और एडोलूपियल लाइट कैसा फील कर रहे हो यहाँ पर आके? अच्छा फील कर रहे हो? अभी और अच्छा फील करोगे। बहुत बड़े सिंगर पंजाबी परवेश वर्मा जी आ रहे हैं, उनका एक गाना नहीं था, अब कुछ भी हो जाए गाल निकलनी। वो आज हमारे बीच में आएंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, तो जाना नहीं है, ठीक है, सोना नहीं है, खाना भी बाद में खाना है, पूरी जिंदगी खाना है। यही कुछ सपने थे जो सालों पहले देखे थे कि एक दिन डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह का माहौल बनेगा, एक दिन डायरेक्ट सेलिंग में सेलिब्रिटी आएंगे, एक दिन डायरेक्ट सेलर का एंटरटेन हिंदुस्तान का नंबर 1 से नंबर 1 सेलिब्रिटी करेंगे। और आज ये सपना आप सबके प्यार से, आप सबकी मोहब्बत के कारण, समर्पण के कारण, प्यार के कारण सच हो रहा है, और ये शुरुआत है, अंत नहीं है, शुरुआत है एडब्ल्यूपीएल नाइट की। एक दिन ऐसा आएगा कि एडब्ल्यूपीएल नाइट दुबई में बनेगी, बैंकॉक में बनेगी, यूरोप में बनेगी। याद रखना ये शब्द, एक दिन आएगा वो बाबा महाकाल आएगा। मुझे कभी कभी खुद समझ नहीं आता ये हो कैसे रहा है, मैं कभी कभी खुद समझ नहीं पाता ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझसे कल एक कंपनी मालिक बात कर रहा था कि यार भाई समझा मुझे तेरी कंपनी चल कैसे रही है। मैंने कहा क्या हो गया? बोला यार लोग तो तेरे घूमने पे लगते हैं और कंपनी में सेल कौन डालता है। बोला तेरी कंपनी में कोई एक महीना एक हफ्ता ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिप नहीं चल रहा होता। कभी हम देख रहे हैं तुम्हारे 1000 लोग थाईलैंड जा रहे हैं, कभी देख रहे हैं दुबई जा रहे हैं, कभी देख रहे हैं जैसलमेर जा रहे हैं, तो ये आईडी कहां से आ रही है? तो मैंने कहा मेरा फाइटर जिस गली से निकल जाता वही प्रोडक्ट बिक जाता है। ये कुछ हमारे फाइटर्स को वरदान है भगवान का, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से नेक नियत के साथ अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और अब आगे आगे और अच्छे तरीके से करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, आप लोग ट्रिप करके आते हो, मुझे नहीं पता आपको जैसलमेर आकर कितनी खुशी होती है, पर मुझे आपके बीच में आके बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि यहाँ मुद्दा ट्रिप का नहीं है, यहाँ मुद्दा जैसलमेर का नहीं है, यहाँ मुद्दा वो उम्मीद जगाने का है, वो सोच बढ़ाने का है। मुझे इसलिए खुशी होती है कि इस बार 3000 लोगों की सोच बनी है अरबपति बनने की, क्योंकि जो जीत के आया है उसने मेहनत की है, वो बड़ा सोच रहा है तभी आया है, बाकी बहुत लोगों ने प्रयास किया, चलो नहीं कर पाए अगली बार कर जाएंगे, लेकिन सब तो नहीं आ पाए, उनमें से कुछ ही लोग आ पाए, कुछ ही लोग अचीव कर पाए। ट्रिप तो सबके लिए था, प्रोडक्ट तो सबके लिए सेम थे, प्लान सबके लिए सेम था, पर कुछ ही लोग नहीं कर पाए। वही कर पाया जिसने प्लान देखते ही बड़ा सोच लिया कि ये जिंदगी साइड में और एसपीपीएस की जिंदगी फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों बस ये जज्बा, ये हिम्मत, ये जुनून खत्म मत होने दो। मैं कुछ नहीं देता आपको, सब आप ही मेहनत करते हो, अपनी मेहनत करते हो, अपनी मेहनत कर लेते हो। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं,
लेकिन मैं सिर्फ एक चीज दे सकता हूं, बड़ा सोच, बड़ी सोच। क्योंकि यहां पर ट्रिप अचीव करके हर व्यक्ति बहुत कामयाब नहीं कर हुआ है। तकरीबन अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। आज ये सपने, आज ये माहौल में आप लोग बैठे हो, आपके अंदर एक एनर्जी का संचार होगा, आपका ब्लड तेज से सर्कुलेट होगा आज के बाद, और आपका आपको लाइफ में ऐसा लगेगा कि यार बस इसके बिना आप वो वाली जिंदगी नहीं जीने। जैसे एग्जांपल है, ये माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए उससे नीचे कभी नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोटरसाइकिल चलाई है? मोटरसाइकिल चलाई है? जिंदगी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कच्चा हो जाए, लेकिन एक बार मोटरसाइकिल चला ली तो ये माइंड साइकिल एक्सेप्ट नहीं करता। यस और नो? राइट। यही ताकत है इस ब्रेन की। इसीलिए AWPL हमारे पास फालतू पैसा नहीं है कि हम इतना खर्चा करते हैं। हम खर्चा आपको दिखावट के लिए, बनावट के लिए, लालच देने के लिए नहीं करते। हम खर्चा आपका ब्रेन डेवलप करने के लिए करते हैं, आपका मेंटल एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए करते हैं। अच्छे होटल में रखते हैं, अच्छे माहौल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक बार आप इस माहौल में रह लिए, इन होटलों में रह लिए, फिर लॉज के कमरे आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करेगा। This is the power of brain. ये हमारे ब्रेन की ताकत है। ये ब्रेन की ताकत है कि आप यहां तक आए हो। बस ये इमेज जो यहां से लेकर जाओगे, ये माहौल जो आपका ब्रेन यहां पर एक्सेप्ट करके जाएगा, एक ही कसम खा लेना कि अब जिंदगी होगी तो ऐसी होगी, नहीं तो नहीं। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ कर्म करना होगा। कर्म करना होगा क्योंकि कर्म पे हमारा अधिकार है। किस्मत पे हमारी क्या लिखा हमें मालूम नहीं। कल अच्छा दिन आएगा, बुरा दिन आएगा मालूम नहीं। अच्छे लोग हमारे डाउनलाइन में आएंगे नहीं आएंगे मालूम नहीं। ये मालूम नहीं कल हमारा पति बनेंगे घर मालूम नहीं। पर ये मालूम है सुबह से शाम तक मेरा अधिकार मेरी किस्मत पे नहीं पर मेरे कर्म पे है। तुम कर्म करो, किस्मत ऊपर वाला बदलेगा। तैयार हो? तैयार हो? देखो आजकल क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग ना दो तरीके से होगी। दो तरह के लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग हो रही है घर चलाने वाली, और एक डायरेक्ट सेलिंग हो रही है सपने पूरे करने वाली। घर चलाने वाली डायरेक्ट सेलिंग कौन सी है? मर्जी है, काम कर लिया, आज कर लिया, कल नहीं करा, कल कर लिया, परसों नहीं किया, सारे अपने घर के काम भी निपटाए, अपने रिश्तेदारियों भी अपना आना जाना रखा, मतलब काम भी करते रहे साथ में अपना जीवन दूसरा भी जीते रहे। ये डायरेक्ट सेलिंग होती है दोस्तों घर चलाने वाली, ये बहुत लोग कर रहे हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग होती है सपने पूरे करने वाली, और वो डायरेक्ट सेलिंग जो सपने पूरे करने वाली वो ज्यादा दिन नहीं होती, 1000 दिन। 1000 दिन आपने जब से डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी जैसलमेर आ गए आप, मैं लिख के देता हूं आपको, कमिट करता हूं आपको, 1000 दिन दुनियादारी छोड़ देना और डायरेक्ट सेलिंग का दामन पकड़ लेना, AWPL का दामन पकड़ लेना। 1000 दिन बाद 1 करोड़ रुपए आपके जेब में होंगे। और 1000 दिन ना सोना है, ना टीवी देखना, ना बीवी को देखना। 1000 दिन मैच नहीं देखना, पिक्चर नहीं देखनी, मोबाइल नहीं देखना फालतू। 1000 दिन अपना समय का 1 मिनट किसी को मत देना। 1000 दिन डायरेक्ट सेलिंग 1000 दिन के लिए बनी थी दोस्त, 10000 दिन के लिए नहीं बनी। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था गिनती करके 1000 दिन में करोड़पति बना था, गिनती करके। लेकिन उन्होंने 1000 दिन में ना सोया ढंग से, ना कभी किसी को अपना टाइम दिया। फिर क्या हुआ? फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर इतना समर्पण नहीं देना पड़ता, सिर्फ 1000 दिन। लोग क्या करते हैं, जिस खेल को 1000 दिन में खेल सकते हो उसको 5000 दिन लगा रहे हैं। क्यों? और भी सभी कामों में अपना टाइम दे रहे हैं। बस ये प्रण कर लो। जैसलमेर जीत के आयो? जीत के आयो?
अपलायन की सिफारिश से तो नहीं है, जीत का है ना, जीत का है ना, तो क्या कोडलिया नहीं जीत सकते, क्या उससे अगला टारगेट नहीं जीत सकते, क्या उससे अगला टारगेट नहीं जीत सकते। इन 1000 दिन में कंपनी के जितने टारगेट आए सारे जीत जाना, ब्लू डायमंड का स्कार्फ पहनकर यहाँ पर ताज ले जाओगे। करना क्या होगा, होता क्या है, यहाँ पर एक टारगेट जीत जाते हैं, अगले टारगेट में फिर ठंडे हो जाते हैं, भूल जाते हैं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या करके आया। इसे कहते हैं रीडिस्कवर योरसेल्फ, रीडिस्कवर योरसेल्फ। एक आदमी जब एक बार जीत जाता है ना, तो बस वो दुबारा याद करना पड़ता है कि मैं कैसे जीता था और मैंने क्या किया था, फिर वो कैसे और क्या दोबारा करना पड़ता है, वो दोबारा जीत जाता है। छोटी सी कहानी बता, मैंने नई नई डायरेक्शन में शुरू करी, तो मेरे 50 लोगों ने कहा जी आपको हम गारंटी से आपके प्रोडक्ट खरीद लेंगे और हम आपको पैसे दे देंगे। अचानक 50 के 50 ने मना कर दिया, 50 के 50 ने अचानक मना कर दिया, तो मेरा अपलाइन आया रोता हुआ, हाय ये क्या हो गया, 50 लोग पैसे दे रहे थे, 50 लोग आ रहे थे, अब कोई नहीं आ रहा। मैं हंसने लगा, बोला तू हंस क्यों रहा है। मैंने कहा यार जब ये 50 हाँ कर सकते हैं तो हिंदुस्तान में 135 करोड़ पड़े हैं, अभी तो कितने हाँ करेंगे कितने ना करेंगे, मैं अपना कर्म करता चला जाऊंगा। क्योंकि जब जैसलमेर के लिए आपके साथ लोग आ सकते हैं, तो स्विट्जरलैंड के लिए भी आपके लिए लोग आ सकते हैं। तैयार हैं सभी, तैयार हैं कोडलिया क्रूस, आएंगे आएंगे मिलेंगे, बस जिस एनर्जी जैसलमेर में लगाई है यही एनर्जी क्रूस में लगा देना, क्रूस में। बाकी आप सब लोगों के प्यार से आशीर्वाद से आज दिन दूनी रात चौगुनी हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं। हम नहीं कर रहे तरक्की, आप लोग कर रहे हैं, तभी हम सब मिलकर तरक्की कर रहे हैं। आज कंपनी एक आदमी से नहीं बनती, कंपनी लोगों के समूह से बनती है। ये कंपनी आपकी है, आप इन्हें बनाइए और आप इसको आगे लेके जाओगे। मैं तो एक वादा कर सकता हूं कि आप एक कदम बढ़ना, मैं दो कदम आगे बढ़ूंगा, हमेशा दो कदम, कुछ ना कुछ बेहतर अच्छा और अच्छा आपके लिए करता चला जाऊंगा। दोस्तों आज तक मैंने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी फैसले लिए हैं, हमेशा अपने फाइटर के हित को ध्यान में रखते हुए लिए। एक फ्रेशर से लेके एक रॉयल एम्बेसडर तक का कैरियर देख कर लिए। अब क्रूज की बात करते हैं, क्रूज पे जा रहे हैं, टारगेट दिया है। अब सब पढ़े लिखे लोग कहते हैं हम AWPL की बराबरी करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, इस चरण में नहीं, अगले 10 चरण में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बैंक खाली करना पड़ेगा, बैंक खाली करना पड़ेगा, बराबरी नहीं कर पाएंगे। क्रूज रोली ने वेकेशन गवाह है, गूगल पे डालो, पूछो कि जब क्रूज में गए थे पिछली बार 19 पेयर में गए थे, हाँ या ना, क्रूज हमें मिला था 3.5 करोड़ में, इस बार वही क्रूज हमें मिल रहा है 6 करोड़ में, लेकिन पेयर नहीं बढ़ाए। मेरी मत मानो, क्रूज की एजेंसी के नंबर है, फोन करो पूछो। इसलिए कहता हूं ना कर पाओ बराबरी बच्चा, ना कर पाओ, ना कर पाए कोई बराबरी हमारी। क्योंकि मैंने ये सपना जब देखा था तो मैंने कंपनी ये सोच के नहीं बनाई तेरे अकाउंट में क्या आएगा, मैंने ये सोच के बनाई मेरे लोगों के अकाउंट में क्या आएगा। हमें एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था, राजस्थान में कुछ लोग हमारे खिलाफ भागी हुए तो उन्हें और कोई मुद्दा तो मिला नहीं। आज मैं इस मंच से बता रहा हूं, और किसी ने अपनी माँ का दूध बता पिया तो बता के दिखा देना ऐसी बातें। बोला तुम्हें नहीं पता डायरेक्टर का अकाउंटों में 2-2 हजार करोड़ रुपए, 2-2 हजार करोड़, कंपनी ने पूरा टर्नओवर किया 1800 करोड़। और बोला भाई बचा वो रिकॉर्डिंग भाई साहब दलीप जी ने मुझे भेजी, मैंने सुनी, मैंने कहा भगवान ऐसा दिन जरूर आएगा, भगवान करे ऐसा दिन जरूर आएगा,
आज आपकी कंपनी 1800 करोड़ का टर्नओवर पार कर चुकी है। रही बात डायरेक्टर के अकाउंट में, अगर किसी माइकल लाल एमडी ने अपनी मां का दूध पिया तो बताना मेरी तरह, मेरे अकाउंट में 6,82,00,000 रुपए हैं मात्र। 6,82,00,000, मैं खुद मुझसे बोल रहा हूँ। पैन कार्ड नंबर है मेरा ABF PK86543। बैलेंस शीट निकालो, अगर इससे 1 रुपया भी आपकी कंपनी से ज्यादा लिया हो, 1 रुपया भी, तो सारा संजय कुमार को धिक्कार है। बात ये मैंने क्या कमाया वो मैंने बता दिया, पर मेरे लोगों ने क्या कमाया ये पूरा हिंदुस्तान आज जान रहा है। ऐसे नहीं आती प्रोडक्ट में क्वालिटी, ऐसे नहीं मिलते ये ट्रिप। इसके पीछे एक सोच है, इसके पीछे एक दिल है, एक भावना जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था, कोई नहीं जानता था मुझे, और आज मैं बहुत कुछ हूं सिर्फ आपकी मोहब्बत के कारण, आपके प्यार के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण। ऐसा कोई फैसला मैं जीवन में नहीं कर सकता जिस फैसले से आपका हित होगा, हर वो फैसला करूंगा जिसमें आपका हित ही हित होगा। लोग पैसे कमा के अपने आप को अमीर बनाते हैं। मेरी कंपनी का इतना टर्नओवर, हमारा 5,000 का, हमारा 10,000 का, हमारा 2,000 का। अरे पैसे कमा कर, कहते ना सक्सेस, पैसे कमाकर सफलता नहीं आती, उस पैसे को कमाने में इंसानियत ने कितना रोल निभाया है उसे सफलता कहते हैं। इस 1800 करोड़ के टर्नओवर में क्या भलाइयां हमने की हैं, कैसे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, कैसे रिजल्ट हमने अपने समाज को, अपने देश के लोगों को दिए हैं, कैसा पे आउट हमने अपने लीडर्स को दिया है, कैसी कामयाबी हमने लीडर्स को दी है, कितने घरों में हमने खुशियां लाई है। ये है असली सक्सेस, कि सक्सेस के पीछे ह्यूमैनिटी कितनी है, सक्सेस के पीछे इंसानियत कितनी है। कमाए होंगे तुमने 5,000 करोड़ रुपए लोगों को लूट के, हमने बाट के कमाए। आगे भी यही चलवा जारी रहेगा। ये जलवा आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जिंदगी एक ही मिली है यार, और इतना प्यार बहुत नसीब वालों को मिलता है जो आपने मुझे दिया है। मुझे कुछ भी करना पड़े आपकी सफलता के लिए, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी प्लानिंग, मैंने गारंटी दे रहा हूं अगली साल नेपाल बांग्लादेश खोल के मारूंगा, और उसके अगली साल फिर हर कंट्री से पैसे कमाऊंगा आपको, हर कंट्री से। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस सोच से आपको काम कर रहा हूं। लालची लोग मेरे साथ नहीं टिक सकते यार, प्रॉब्लम है कुछ नहीं, मैं खुद को बेकार आदमी उस मामले में। लालची आदमी मेरे साथ नहीं टिक सकता, जिसने पैसे की डिमांड करी मैंने लात मार के बाहर किया। सीधा सीधा फंडा है, लोग कमाने हैं, दौलत नहीं कमानी। लोग साथ होंगे, दौलत अपने आप आएगी, वो सेकेंडरी है, पहले जनता प्राइमरी। तो जहां जहां लालच आएगा वहां वहां फैसले थोड़े कठोर होंगे, लेकिन याद रखना इतना भी गिलने नहीं दूंगा तुम्हारा कैमरा। मैं क्या है यार, मेरी तो कोई औकात में वो है ऊपर वाला, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये कंपनी मेरी तो है नहीं, किसी और की है। मैं तो सिर्फ यहाँ काम कर रहा हूँ आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से। बस ये मोहब्बत बना के रखना, दुनिया जीत के लाएंगे, दुनिया जीत के लाएंगे। मेहनत करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अपने घरों में उजाले रोशनियां लाते जाएंगे। कोई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपने आप को कमजोर मत समझना मेरे दोस्त। किस घर में तूने जन्म लिया है भूल जा, किस जात में तूने जन्म लिया है भूल जा, किन परिस्थितियों में तूने जन्म लिया है भूल जा। कमल का फूल भी कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन लक्ष्मी माता के चरणों में जाता है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व नहीं खोता,
वो जानता है मैं कमल का फूल हूँ, वो अपना अस्तित्व नहीं खोता, वो अपने कर्मों पे भरोसा रखता है। आपको भी ये जानना है मैं इंसान हूँ और दुनिया में जो भी कुछ किया है इंसान ने किया है, जो वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस ये सोच के जीवन जीना, आगे बढ़ते चले जाना, ना रुकना, ना थकना, ना इधर देखना, ना उधर देखना, सिर्फ अपना टारगेट देखे। तैयार हैं? तो फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत ही जल्द, होगी कहां पर? कहां पर? पक्का जवान है ना? जवान दिया भाई साहब, जवान के ऊपर इंसान गर्दन कटा सकता है, तुम दस बीस लोगों के पैसे नहीं ला सकते। तो थैंक यू सो मच। और परवेश वर्मा जी आने वाले हैं, बहुत इंजॉयबल, बहुत बड़े सिंगर हैं। 2 घंटे इंजॉय करोगे? ये तो मेरे पैसे खराब जाएंगे। इंजॉय करोगे ना? पसीना पसीना हो जाने चलो नाचते नाचते। 3 महीने काम के और 3 रात मजे। हरे हरे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फाइटर, लव यू, थैंक यू।